वेलकम टू माय चैनल दोस्तों दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल में कंप्यूटर के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हम वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसमें स्क्रिप्ट ऐड करके हम बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर और ट्रेड बुक हम कैसे मेंटेन करके देखते हैं और मार्जिन कहाँ से चेक करते हैं, लेज़र ट्रेड समरी प्रीवियस ट्रेड समरी कहाँ से चेक करते हैं, तो वो सारा चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए दोस्तों हम कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। सपोज़ हमारे में गूगल क्रोम है तो हमारे सिस्टम में, तो हमने अपने सिस्टम में जो गूगल क्रोम है इस पर डबल क्लिक करके ओपन किया। उसके बाद हम एड्रेस बार में यहाँ टाइप कर देंगे downloads.motilalosval.com। डाउनलोड में एस भी है, downloads.motilalosval.com। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों ओपन होने में, ये नेट की स्पीड कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ओपन हो गया दोस्तों। तो इसमें देखो दोस्तों ओरियन लाइट इंटरनेट यूजर, बेसिकली हम लोग इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं तो हम ओरियन लाइट इंटरनेट यूज़र पे एक सिंगल क्लिक करते हैं। इस पर हमने एक सिंगल क्लिक किया और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है .exe करके, ओरियन लाइट .exe। तो ये पहले कंप्लीट डाउनलोड हो जाने दो, उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करके रन कर देंगे। ये कंप्लीट डाउनलोड हो गया दोस्तों, इस पर हमने इसे डबल क्लिक करने पर दोस्तों एक सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़र अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, उसको हमने यस करना है। उसको यस करने के बाद ये एक पॉपअप आ गया ओरियन लाइट न्यू वर्जन अपडेट, इस और उसमें नीचे लिखा हुआ है न्यू वर्जन अपडेटेड, ओरियन लाइट न्यू वर्जन अपडेट, इसको हमने ओके कर दिया दोस्तों। इसको हमने ओके किया, उसके बाद हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। इसमें देखो दोस्तों डेस्कटॉप पर एक ओरियन लाइट का ये सॉफ्टवेयर बन के आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरियन लाइट सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको इस पर डबल क्लिक करके लॉगिन करना है, तो इस पर हमने डबल क्लिक किया। ये ओरियन लाइट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद। इसमें हम अपना लॉगिन आईडी डाल देंगे जो हमको फ्रेंचाइजी के थ्रू या मोतीलाल ओसवाल के थ्रू मिला रहेगा, वो हम अपना लॉगिन आईडी डाल देंगे। सपोज हमारा ये लॉगिन आईडी है और हम अपना पासवर्ड जो भी सेट कर रखे हैं वो डाल देंगे। अगर हमें अपना पासवर्ड नहीं पता है दोस्तों तो हम यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के हमको पासवर्ड चला जाएगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर, उसके थ्रू हम नया जनरेट कर लेंगे। और नए सिरे से अगर आपको पासवर्ड जनरेट करना है दोस्तों तो हमारा पहला वीडियो है उसको आप देखो, वहाँ पर आप हमने बढ़िया से बता रखा है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं मोतीलाल ओसवाल में। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पैन नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना लॉगिन कर लेंगे। ये यहाँ पर सर्वर 1234 आ रहा है तो हम सर्वर वन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। लॉगिन पे हमने क्लिक किया, ये लॉगिन हो रहा है दोस्तों। नेट की स्पीड जैसी रहेगी, अगर नेट की स्पीड हमारी फास्ट है तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो ये सर्वर से कनेक्ट होने में थोड़ा सा सेकंड लगता है। थोड़ा सा होल्ड करो, वेट करो। ये दोस्तों लॉगिन हो गया।
इसमें दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे ये लॉगिन हो जाएगा इसमें कुछ भी आ सकता है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो बिल्कुल ये टर्मिनल ओपन हो गया दोस्तों। इसमें सबसे टॉप पर देखो निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है और सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी ये फ्यूचर है, निफ्टी बैंक निफ्टी के, फिर डॉलर है, फिर गोल्ड है। तो निफ्टी 50 का अभी 17,697 ये रेट चल रहा है और ये आज 164 पॉइंट ऊपर है लगभग 1%। तो इस टाइप से हम दोस्तों ये सेंसेक्स भी देख लो इसमें क्या चल रहा है, इसके हिसाब से ट्रेडिंग भी करते समय हम इस चीज़ को देख करके ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में। तो उसके लिए दोस्तों हम अब सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कौन सा स्टॉक अगर हमको बाई करना है और सेल करना है तो हम वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अपना एक फेवरेट वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं ताकि हम उस स्टॉक को डेली बेसिस पर हम अपने वॉच लिस्ट में देखते रहें कि बढ़ा है कि घटा है कैसा नहीं है, बाई करना है सेल करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों स्टार्ट बटन बनी हुई है, स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे एक, और स्टार्ट पर हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पर देखो सबसे टॉप पर मार्केट वॉच में क्रिएट करके आ रहा है लिख करके, तो हमने क्रिएट पर क्लिक किया, क्रिएट पर क्लिक किया दोस्तों। यहाँ पर अब देखो वॉच लिस्ट का नाम पूछ रहा है कि वॉच लिस्ट का क्या नाम रखना है आपको, तो मैंने वॉच लिस्ट का नाम रख दिया दोस्तों RAJ राज, ये हमारी वॉच लिस्ट है। और इसके बाद इसमें हम सारे वॉच जितने भी हमारे स्टॉक्स होंगे इसी में हम सारे ऐड करते जाएंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट क्रिएट पे क्लिक किया दोस्तों, ये राज नाम का एक वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर टैब में। और यहाँ पर देखो दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से फर्स्ट टाइम समझ लोगे तो आगे आपको बार बार देखने की वीडियो ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार समझ लोगे तो 100% आप, इतना अच्छे से बताऊंगा कि 100% आप कर ही लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और देखना है। तो अब उसके बाद दोस्तों हम देखो सबसे नीचे की तरफ देखो आप, एक्सचेंज जहाँ एक्सचेंज लिखा हुआ है EXCH, उसके नीचे देखो यहाँ पर एक रो बन रही है, तो इस रो पे हम इंटर मारेंगे जस्ट यहाँ पर ऐसे जा करके, और रो पे इंटर मारेंगे। हमने एक इंटर मारा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो प्लीज़ सेलेक्ट आई स्क्रिप्ट इक्विटी ये करके आ रहा है। मैंने स्कैप कीबोर्ड से स्कैप की बटन दबाया, कीबोर्ड से मैंने स्कैप की बटन दबाया, वो हट गया। अब देखो दोस्तों अगर हमको अब हम इसमें अपनी वॉच लिस्ट में राज नाम की जो वॉच लिस्ट क्रिएट हुई है इसमें हम किसी स्टॉक को ऐड कैसे करते हैं, तो सपोज़ हमको दोस्तों इसमें ऐड करना है SBI बैंक, तो हम क्या करेंगे अपने कीबोर्ड से इंटर मारेंगे, अपने कीबोर्ड में जो इंटर वाली बटन बनी होगी उस पर हम इंटर मारेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके, पहले यहाँ सेलेक्ट किया हमने, इंटर मारा। इंटर मारने के बाद इसमें देखो दोस्तों NSE नॉर्मल इक्विटी करके आ रहा है, तो NSE में कई सारे ऑप्शंस हैं, हम अभी स्टॉक का खाली देख रहे हैं तो NSE का हम सेलेक्ट करेंगे, और इक्विटी नॉर्मल ये बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम SBIN ये हम टाइप करेंगे, ये SBI हो गया, और टैब के थ्रू या वैसे ही करके हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसमें SBI स्टॉक ऐड हो गया हमारी वॉच लिस्ट में। अब हमें दोस्तों सपोज़ HDFC बैंक ऐड करना है, तो HDFC बैंक ऐड करने के लिए हम अगर इसी SBI के ऊपर ही इंटर मारेंगे और HDFC बैंक को ऐड करेंगे तो HDFC बैंक क्या होगा SBI के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट किया और देखो SBI हट गया और HDFC उसके साथ रिप्लेस हो गया। तो इसके लिए दोस्तों अब हमें नया 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 कैसे करके करना है, तो हमें ऐड करना है तो हमें कंट्रोल ऑल्ट आर, कीबोर्ड में ध्यान से सुनो दोस्तों, कंट्रोल वाली बटन, ऑल्ट वाली बटन और आर वाली बटन, कंट्रोल ऑल्ट आर, जितनी बार हम आर को दबाते जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट वाली बटन दबा करके उतनी स्पेस इसमें क्रिएट होती जाएगी। हमने ऐसे करके इतनी सारी स्पेस बना ली। अब हम उसके नीचे SBI भी ऐड कर देंगे, इंटर मारा हमने SBIN, SBI हमने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद दोस्तों इसमें इंडियन ऑयल अगर हमें ऐड करना है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो हमने क्या किया नीचे जा कर के इसमें इंटर वाली बटन मारा कीबोर्ड से और हिट किया, और IOC ये वाली हमने, ये हमने टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया दोस्तों। ये देखो दोस्तों
IOC भी ऐड हो गया इसमें। अब दोस्तों इसमें आता है कि हमने देख लिया कि स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट को बाई कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो ऊपर कॉलम बने हुए हैं, इस कॉलम को हम अपने अनुसार रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो ऊपर कॉलम बना हुआ है, सपोज़ ये एक्सचेंज है, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और कॉलम को रिमूव कर दिया। एक्शन है, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, सपोज़ मैंने रिमूव दिस कॉलम करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये क्वांटिटी है, मेरे को नहीं चाहिए, ये सेल क्वांटिटी है, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। ये ओपन क्लोज, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, मैंने इसको भी हटा दिया, ये हमने इसको भी हटा दिया। हाई लो, ये मेरे को चाहिए, आज का हाई और आज का लो क्या है इंट्राडे का। और दोस्तों इसमें 52 लो 52 हाई को हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और कॉलम चूजर पे जाएंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, 52 हाई 52 लो, कॉलम चूजर पे जाएंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी, वहाँ से 52 हाई 52 लो ऐड कर लेंगे। और इसको हमने स्क्रॉल किया, देखो दोस्तों इसको हमने स्क्रॉल किया ऐसे जा करके, ये राइट साइड में छिप गया है, यहाँ पर हमने इसको आगे अपने ले लिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर ले लिया। अब ये देखो दोस्तों, स्क्रिप्ट का नाम हमारे आ गया, बाई रेट आ गया, सेल रेट आ गया, लास्ट रेट प्राइस आ गया, परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है कितना घटा हुआ है ये आ गया, नेट चेंजेस कितने रुपए का हुआ है ये आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। अब 52 हाई क्या है इसका, 52 लो क्या है इसका, और इंट्राडे का ये हाई लो है, ये आज का हाई क्या है और आज का लो क्या है, यहाँ पर ये दिख गया दोस्तों। बेसिकली अधिकतर हमको इसी चीज़ को देखना होता है ट्रेडिंग करते समय। बाकी अगर हमको इसकी डेप्थ में जाना है किसी भी स्टॉक के, तो उस स्टॉक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सबसे टॉप पर, मैंने इस स्टॉक के ऊपर राइट क्लिक किया IOC के, और सबसे टॉप पर मार्केट डेप्थ करके लिख के आ रहा है, तो हम इसके मार्केट डेप्थ में जाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर पूरी डेप्थ आ गई है IOC की, जिसमें लास्ट क्वांटिटी का और ट्रेड और लास्ट प्राइस क्या है, टोटल बाई टोटल सेल, 52 हाई 52 लो, और आज का ओपन हाई कितना हुआ, किस रेट पे ओपन हुआ है, अपर सर्किट क्या है इसकी, ये अपर सर्किट है और ये लोअर सर्किट है। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है दोस्तों, ये एक्सचेंज तय करता है कि किसका अपर सर्किट लगेगा है क्या और किसका लोअर सर्किट क्या है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग आ जाती है किसी भी स्टॉक में, तो नीचे की तरफ जो जाएगा तो नीचे एक सर्किट लग जाएगी, यहाँ के नीचे फिर बेच नहीं पाएगा कोई भी, तो यहाँ पर जा करके रुक जाएगा। और अपर सर्किट भी इसका 140 है और लोअर सर्किट इसका 114 है। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे होता है, नेट चेंजेस कितना आया है वो है इसमें, वॉल्यूम क्या है ये सब देखो, पूरा देखो दोस्तों, इसमें ISIN नंबर सारा चीज़ें दिख रहे हैं। और यहाँ पे बिड क्वांटिटी और ऑफर रेट, ऑफर क्वांटिटी और बिड रेट, बिड क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, कौन कितने शेयर कितने रेट पर खड़े हुए हैं, 5 शेयर इसमें दिखता है, 5 लाइन, तो ये चीज़ें यहाँ से देखने को हमको मिल जाता है मार्केट डेप्थ में जा करके, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, ये एक्शन की जो ये कॉलम बना हुआ है, इसको भी अगर ये सपोज़ यहाँ से रिमूव हो जाता है एक्शन भी, तो हम यहाँ से फिर से राइट क्लिक करते हैं इसी के ऊपर, यहाँ पर कहीं पर भी इस एरिया में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे और कॉलम चूजर में जाएंगे और यहाँ पर एक्शन पे डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएगा। जो भी अगर हट जाता है गलती से, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें तुरंत वहाँ से कॉलम चूजर में जा करके हम यहाँ पर जो मर्जी वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हम डबल क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में अगर हमें 100 शेयर बाई करना है या सेल करना है, तो हम वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब हम किसी स्टॉक को बाई करेंगे, तो बाई करने के बाद वो हमारे, अगर सपोज़ हमने ऑर्डर लगा दिया और ऑर्डर लगाया और हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हमें ऑर्डर बुक में दिखेगा। ऑर्डर बुक कहाँ से आएगा दोस्तों, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और सबसे टॉप पर ऑर्डर बुक है। अब रह गई बात दोस्तों, इसमें बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट स्कैन सेट अलर्ट, ये अलर्ट करने के लिए होता है कि किसी स्टॉक का कोई क्या प्राइस आ जाए तो अलर्ट आ जाए। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, इस SBI के ऊपर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर सेट अलर्ट किया, सेट अलर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो दोस्तों
यहाँ पर रेट में डालेंगे और कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू जो सेलेक्ट करके और यहाँ प्राइस डाल करके ऐड कर देंगे तो, और सेव कर देंगे तो उसके बाद वो प्राइस, वो स्टॉक अगर उस रेट पे आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक हमको इसी टर्मिनल पे ही एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये रेट आपने सेलेक्ट किया था कि ये रेट आएगा, तो हमें एक पॉपअप आ जाए, तो वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा कि भाई हमने जो सेट किया था वो रेट आ गया यहाँ पर, वो हो गया सेट अलर्ट करने का। उसके बाद मार्केट डेप्थ, मैंने अभी आपको किसी भी स्टॉक का बताया कि मार्केट डेप्थ कैसे होता है, यही चीज़ है मार्केट डेप्थ, राइट क्लिक करके जो मार्केट डेप्थ होती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ लगभग यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, और इसमें एक स्पैन कैलकुलेटर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पैन कैलकुलेटर में हम सपोज़ कोई भी चीज़ है अगर, और हमें बाई करना है या सेल करना है, तो उसमें कितना मार्जिन पकड़ता है वो हम स्पैन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब उसके बाद है बाई सेल, मार्जिन बाई, मार्जिन सेल, ये सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड, आईपीओस, बॉन्ड, ये। तो हमें दोस्तों बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशन। तो हमें ये तीन चीज़ें सबसे पहले जानना है, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, ये चीज़ को रिपोर्ट वाले कॉलम में, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशन और मार्जिन एसटीएमटी। तो ये और डीमैट होल्डिंग, इन सब चीज़ों को ट्रेड करते समय हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर इनकी जानकारी है तो हम ट्रेडिंग कर लेंगे, और समझ लीजिए कि हमें ओरियन लाइट सॉफ्टवेयर आ गया है, हम बाइंग सेलिंग करके अपनी पोजीशन और अपनी होल्डिंग को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि ऑर्डर बुक में क्या हमारे कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। अगर हमने कुछ अभी तक हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर बुक में कुछ नहीं होगा हमारे। तो हमने यहाँ ऑर्डर बुक में गया दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों ऑर्डर बुक में हमारे कुछ नहीं पड़ा है, हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। और दोस्तों सबसे मार्मिक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर हमने ऑर्डर बुक में गया या ट्रेड बुक में गया, और हमने ऑर्डर बुक में कोई ऑर्डर लगा रखा है और ट्रेड बुक में भी अगर हमने कोई ट्रेड लगा रखा है, तो और अगर हमको नहीं दिख रहा है, तो हम रिफ्रेश करने पर भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से, ध्यान से सुनना, कीबोर्ड से कंट्रोल वाली बटन दबा करके, और लंबी वाली जो बटन होती है स्पेस बार, उसको हम जब प्रेस करेंगे तब हमको जितने भी हमारे ऑर्डर या नेट पोजीशन या ट्रेड समरी हैं, वो ट्रेड बुक हैं, वो सारे दिख जाएंगे कंट्रोल वाली बटन दबा करके, स्पेस बार बटन दबाने से। ठीक है दोस्तों, ये जो मार्मिक बात है ये ध्यान रखना, नहीं तो हम रिफ्रेश करके और देखते रह जाएंगे तो हमें खाली एक ही ऑर्डर, दो ऑर्डर ही दिखता रहेगा बस। अब हम आते हैं दोस्तों, सपोज हमें SBI का ये शेयर बाई करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाई, ये B बटन होता है एक्शन में बाई, और S बटन होता है सेल। तो B वाली बटन पे हम क्लिक करेंगे, बाई करना है हमें। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा रहा हूँ कैसे बाई करते हैं और सेल भी कैसे करते हैं, और जब हम बाई का ऑर्डर डालेंगे तो ऑर्डर बुक में कैसे दिखेगा वो सारा हम आपको दिखाएंगे। हमने बाई बटन पे जैसे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर एक देखो ब्लू कलर की एक नीचे एक पट्टी खुल गई है जिसमें एक्सचेंज में NSE है और ऑर्डर टाइप में लिमिट है, स्क्रिप्ट नेम में SBI है जो जिस स्टॉक पर हमने बाई किया है, क्वांटिटी में 1 है, लॉट में 1 है, प्राइस में जो अभी रेट चल रहा है वो आ रहा है, राइट। हमारा ये क्लाइंट कोड है जिसके थ्रू हम लॉगिन हुए हैं, जो हमें मोतीलाल ओसवाल से मिला हुआ है, और प्रोडक्ट में देखो दोस्तों नॉर्मल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अभी हमें लॉगिन करना है, बाई करना है। तो सपोज़ हमको SBI 10 शेयर बाई करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर क्वांटिटी में 10 शेयर टाइप कर दिया। तो जैसे हमने 10 किया यहाँ पे टाइप, लॉट में ऑटोमेटिक ही 10 हो जाएगा। और हमने लिमिट का मतलब होता है क्या दोस्तों, ये चीज़ समझो सबसे पहले, NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाई करते हैं। इसमें देखो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। तो इसमें हमने क्या किया, NSE ही सिलेक्ट किया। और लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट मार्केट स्टॉप लॉस। लिमिट का क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक का रेट जो भी चल रहा है उस रेट पर ना बाई करके हम उसके नीचे हम बाई करेंगे रेट डाल करके, तो वहाँ पर हम लिमिट सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल एग्जांपल क्या लेते हैं, हम बाई पे क्लिक किया, लिमिट हमने सेलेक्ट किया, हमें क्वांटिटी 10 चाहिए थी, हमने क्वांटिटी में यहाँ पर 10 डाला, 10 डाला। और अभी SBI का रेट
462 रुपया चल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया 460 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 460 रुपये का अगर SBI का रेट आएगा तो मेरा 10 क्वांटिटी बाई हो जाए। अब मैं ये चीज़ रेट डाल करके अपने काम में लग जाता हूँ और जैसे ही 460 SBI का रेट आएगा हमारा बाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 460 डाल दिया, या 460 न डाल करके हम 455 डाल दिया। और प्रोडक्ट में हमने ये नॉर्मल है, बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेलेक्ट है दोस्तों, और उसके नीचे डिलीवरी है। तो अभी हम खाली इतना देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा और लिमिट में भी जो है इनके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों बहुत अच्छी तरह से लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस और नॉर्मल में ये जितने भी ऑप्शन हैं सबका बहुत अच्छे से बताया है। मैं इसमें थोड़ा सा ही बताऊँगा, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो पिछली वाली वीडियो में आप हमारे देखिए, हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पर, लिमिट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने नॉर्मल में ही सबमिट का एक बटन दबाया और यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ गया प्रीव्यू कि ये चीज़ हम बाई कर रहे हैं इस रेट पर, हमने एस कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक देखो नीचे एक कंफर्मेशन आ गई है कि ये SBI का 10 क्वांटिटी बाई का रेट डला हुआ है 455 रुपये में, 455 में, और हमने यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब हमने ये अभी ऑर्डर डाला है, ऑर्डर डालने का कोई पैसा नहीं लगता, हम चाहे 10 बार ऑर्डर डालें और कैंसिल करें कोई पैसा नहीं लगता जब तक कि वो ट्रेड नहीं हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो। अब दूसरी चीज़ समझ लो दोस्तों कि हमने जो ऑर्डर डाला है वो अभी तक एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑर्डर डाला है कन्फर्मेशन तो यहाँ आ गई, लेकिन हम देखेंगे कहाँ से कि ये ऑर्डर डल गया है। तो उसके लिए दोस्तों हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर बुक में जाएंगे। ऑर्डर डला है तो ऑर्डर बुक में ही दिखेगा, तो हमने ऑर्डर बुक में गए। इसका शॉर्ट फॉर्म F3 भी होता है ऑर्डर बुक में जाने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर F3 वाली बटन दबाया। अगर इस स्टॉक को सिलेक्ट करके F3 दबाएंगे तो वही स्टॉक देखेगा, कहीं भी सिलेक्ट करके अगर दबाएंगे तो तब भी दिख रहा है, और नहीं तो कहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी चीज़ दिख सकता है और कोई भी चीज़ नहीं भी दिख सकता है, ऐसा भी होता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, SBI का ऑर्डर बुक में गया हम चेक करने के लिए। तो हमने क्या किया, स्टार्ट पे क्लिक किया और ऑर्डर बुक में गए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, SBI दिख रहा है। अगर ये सपोज नहीं दिखता, कभी कभी क्या होता है कि नहीं दिखता, तो हम यहाँ से रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं दिखता है तो कंट्रोल वाली बटन दबा के कीबोर्ड से स्पेस बार वाली बटन दबाएंगे तो सारा दिख जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सारा हमारा ऑर्डर खड़ा हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देखो बाई का रेट डला हुआ है, SBI का ये कोड हो गया हमारा, 10 शेयर डला है 455 रुपया रेट डाल करके। अब हमको इसको सपोज डेट नहीं आ रहा है, ये हमें इसको मॉडिफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम मॉडिफाई किया इसको, 455 रुपये की बजाय हमने इसको 455 के बजाय हमने इसको 458 कर दिया और हमने सबमिट कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 458 हो गया 455 की जगह पर, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, ये मॉडिफिकेशन हो गई यहाँ पर, मॉडिफिकेशन सक्सेसफुली। नीचे एक पॉपअप भी आ गया है, एक मैसेज आ गया है जनरेट होकर के। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया, ये 13 something 0 टाइप करके है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो हमने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और कैंसिल वाली बटन दबा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कैंसिल वाली बटन दबा करके ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा ऑर्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये कैंसिल हो गया और हमको कोई भी एक चार्ज भी नहीं देना होगा इस चीज़ का, राइट। अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम एक बाई ही करके हम देखेंगे कि बाई कैसे करते हैं, उसके बाद सेल कैसे करते हैं। तो हमने सपोज़ देखो दोस्तों, बाई पर हमने क्लिक किया और लिमिट हमने किया, और लिमिट तो हम समझ लिए कि लिमिट के रेट पर हम कैसे बाई करते हैं नीचे का रेट डाल करके। मार्केट का क्या मतलब होता है दोस्तों, मार्केट रेट पर हम कैसे बाई करते हैं, राइट। तो मार्केट रेट पे हम कैसे बाई करते हैं, उसके लिए हमने मार्केट सेलेक्ट किया। तो मार्केट का मतलब होता है कि जो भी रेट चल रहा है सेम उसी रेट पर बाई हो जाए। तो हमने NSE है NSE रहने दो, क्वांटिटी में हमने 10 कर दिया और नॉर्मल है नॉर्मल ही रहने दिया हमने, इनमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ नीचे जो पार्टिसिपेंट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, क्वान्टिटी है, ट्रिगर प्राइस है, इनमें सब में कुछ भी नहीं छेड़ना है। हमने क्या किया, सिंपल सबमिट किया। जैसे हमने सबमिट किया दोस्तों, मार्केट पर ये बाई हो जाएगा अभी 10 क्वांटिटी और यहाँ पर एक जनरेट भी हो जाएगा। हमने मार्केट में किया और एस किया, देखो दोस्तों ये बाई हो गया।
ये ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया और 10 क्वांटिटी बाई हो गया 462 रुपया 25 पैसे के रेट पे इतना अमाउंट लग गया इस कोड में, राइट। अब देखते हैं हम दोस्तों ये ऑर्डर बुक में क्या दिख रहा है। ऑर्डर बुक में नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो एग्जीक्यूट हो गया है तो कहाँ दिखेगा, ट्रेड बुक में दिखेगा। तो स्टार्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले हम ऑर्डर बुक में जाएंगे देखने। ऑर्डर बुक में गया मैंने, कुछ नहीं दिखा, रिफ्रेश किया कुछ नहीं दिखा, हमने कंट्रोल वाली कंट्रोल बटन दबा के स्पेस बार दबाया तब भी कुछ नहीं दिखा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों ट्रेड बुक में। ट्रेड बुक में आया, देखो दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, राइट। जो मैं आपको कह रहा था यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, हमने रिफ्रेश वाली बटन दबाया तब भी कुछ नहीं दिखा। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल वाली बटन दबा करके स्पेस बार बटन दबाऊँगा। मैंने कंट्रोल वाली बटन दबाया और ये स्पेस बार बटन दबाया, जैसे ही दबाया देखो दोस्तों SBI का जो हमने बाई किया हुआ था वो ऑटोमेटिक आ गया। इसलिए मैं कह रहा था आपको ये मार्मिक बात है कंट्रोल और स्पेस बार वाली बटन, नहीं तो हम बाई किए हैं और हम ट्रेड बुक में ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गया हमारा, उसके बाद हम घबरा जाएंगे यार कहाँ चला गया हमारा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, कंट्रोल स्पेस बार बटन दबा करके हमने देख लिया कि SBI ये 10 क्वांटिटी बाई हुआ है और किस रेट पे 462 रुपया 25 पैसा, राइट। अब हम स्केप वाली बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, स्केप वाली बटन दबा करके एग्जिट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सपोज दैट सेल करना है तो सेल क्या, एक चीज़ और, अब हम ट्रेड बुक में आ गया हमारे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि हमने जो बाई किया हुआ है उस पर लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ट्रेड बुक में तो हम गए ही थे, अब हम नेट पोजीशन में आ जाएंगे दोस्तों। नेट पोजीशन में आ गए हम, नेट पोजीशन में आने के बाद देखो दोस्तों रिफ्रेश वाली बटन दबाया, अगर नहीं आता तो फिर से हम कंट्रोल और स्पेस बार वाली बटन हिट करते, लेकिन हमको हिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रिफ्रेश करते ही आ गया। अब देखो दोस्तों SBI हमने 10 क्वांटिटी बाई किया है, नेट पोजीशन में जाके चेक कर रहे हैं, ध्यान से ध्यान देना। नेट बाई हमने किया है किस रेट पर, नेट बाई रेट क्या है हमारा इस रेट पर, 10 शेयर हमने बाई किया हुआ है तो M2M का मतलब है मार्क टू मार्क क्या आ रहा है हमको प्रॉफिट, 7 रुपया 50 पैसे का अभी तक हमको प्रॉफिट आ रहा है। अगर SBI का रेट दोस्तों बढ़ेगा तो हमको 10 शेयर पे जितना हमने 10 क्वांटिटी बाई किया है उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो जितना हम और घटेगा अगर तो उतना हमको यहाँ पर लॉस होगा, तो यहाँ पे माइनस में शो करने लगेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमको इसको सेल करना है, मान लीजिए कि अब रेट हमारा बढ़ गया और हमको अब सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से अभी हम सेल कर सकते हैं। F6 वाली बटन दबाएंगे यहाँ से, ध्यान से समझना, F6 वाली बटन दबाएंगे यहाँ से और कीबोर्ड में माइनस वाली बटन दबाएंगे, जो कैलकुलेटर वाली बटन होती है उसके राइट साइड में सबसे टॉप पर माइनस बटन होती है, वहाँ से हम यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं और यहाँ से भी हम जा करके सेल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर S वाली बटन पे क्लिक किया दोस्तों, क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 10 क्वांटिटी थी, हमने 10 क्वांटिटी कर लिया और यहाँ पर मार्केट पे हमने बाई किया था। तो अगर हमें, हमारे पास एक रास्ता और भी है कि अगर सपोज हमने जो बाई कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि ये SBI जब 460 के ऊपर, तो हमने बाई किया है, अगर ये 470 चला जाए तो फिर ये हमारा सेल हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों NSE ही रहने देंगे, लिमिट पे ही रहने देंगे, और यहाँ पर हमने 470 का रेट डाल दिया और नॉर्मल में हमने बाई किया था तो नॉर्मल ही रखेंगे, और सबमिट पर क्लिक किया 470 का रेट डाल करके और सेल पर क्लिक किया और हमने इसको ओके कर दिया। जैसे हमने ये एस कर दिया तो अब देखो दोस्तों ये हमारे ऑर्डर में पड़ा रहेगा क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ऑर्डर में ही पड़ा रहेगा। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और ऑर्डर बुक में गया तो यहाँ पर देखो सेल करने का रेट डला है 470 का। अगर ये SBI 470 जाएगा दिन भर में तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, नहीं जाता तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, इसको हम 470 की बजाय 465 भी कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया हमने और राइट क्लिक करके और एस किया, ये 465 का रेट हो गया। यहाँ पर देखो दोस्तों मुझे कैंसिल करना है इस रेट को, तो हमने इसको राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, अब हमारा कोई ऑर्डर नहीं पड़ा है लेकिन हमारी बाइंग पोजीशन अभी है। तो हमें क्या करना है, इसको मार्केट पे सेल करना है। पहले देख लेता हूँ मैं हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, इसके ऊपर रेट स्टार्ट पर क्लिक किया, नेट पोजीशन में गया दोस्तों, देखो पहले 7 रुपया समथिंग आ रहा था, अब 13 रुपया 50 पैसा आ रहा है प्रॉफिट। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सेल पे, सेल बटन पर क्लिक किया और मार्केट पे हमें सेल करना है तो हमने मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट किया, 10 शेयर थे तो हमने 10 सेलेक्ट किया, नॉर्मल में हमने बाई किया, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर बाई किया है नॉर्मल में तो नॉर्मल में ही हम सेल करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और
एस कर देंगे। जैसे हमने एस किया दोस्तों, ये हमारा माल सेल हो गया 10 शेयर। अब हम नेट पोजीशन में जाएंगे दोस्तों, हमारी पोजीशन जीरो हो गई है कि नहीं हुई है वो हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ नेट पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर देखो दोस्तों SBI शेयर, ये देखो नेट क्वांटिटी क्या है। अब यहाँ जीरो का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है, हमने जो बाई किया था वो सेल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। पहली चीज़ ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये चीज़ भी समझना है हमको बहुत ध्यान से कि हमारे पास जो था हमने उसको सेल कर दिया, इसीलिए यहाँ क्वांटिटी जीरो हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, बाई क्या किया था हमने, 10 क्वांटिटी, किस रेट पे, इस रेट पे 462 रुपया 25 पैसे पे। सेल कितना किया हमने, 10 क्वांटिटी, नॉर्मल में बाई किया था तो सेल भी नॉर्मल में किया है, 463 रुपया 30 पैसे पे। कमाया कितना हमने, बुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस, पहले M2M में शो कर रहा था लेकिन अब हमने जब बुक कर लिया प्रॉफिट तो बुक टाइप प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है 10 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा स्टॉक को बाई कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, ऑर्डर बुक में कैसे देखते हैं, नेट पोजीशन में कैसे देते हैं, ट्रेड बुक में कैसे देखते हैं, ये हमारा ये चीज़ कवर हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, लिमिट मार्केट हम समझ गए, स्टॉप लॉस क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। सपोज़ हमने SBI को बाई कर लिया, किस रेट पर हमने बाई किया था, यहाँ से आकर के देख लेते हैं 462 रुपये पे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें स्टॉप लॉस अगर लगाऊंगा तो हम बाई कर रखे हैं तो सेल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर सेल कर रखे हैं शॉर्ट सेलिंग तो हम बाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझने वाली बात, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया, बाई कर रखा था तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हम सेल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हम लिमिट की जगह पर स्टॉप लॉस सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। 10 क्वांटिटी बाई किया था तो हमने 10, ये मैं बाइंग सेलिंग हमारी पोजीशन बराबर हो गई है, मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ अलग से कि स्टॉप लॉस भी कैसे मेंटेन करते हैं। इसमें बाइंग सेलिंग बराबर हो गई है, अब हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पोजीशन तो जीरो हो गया है, ठीक है। सपोज़ हमारा ऑर्डर खड़ा रहता और हम सेल नहीं किए होते तो मैं लॉस कितना वेयर कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी काम में लग जाऊँ और 462 रुपये बाई किया है तो 450 रुपया हो जाए और मेरा इतने का लॉस हो जाए, तो इसलिए हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि 455 रुपये से अगर नीचे जाएगा स्टॉक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 10 किया और स्टॉप लॉस यहाँ सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों 455 रुपये का, हमने यहाँ पर स्टॉप प्राइस डाल दिया। और यहाँ पर देखो दोस्तों नॉर्मल है, नॉर्मल रहे तो ट्रिगर प्राइस यहाँ पर हम डालते हैं, ट्रिगर प्राइस में हम डालेंगे 455 रुपया 90 पैसा डाल दिया। तो 455 रुपया और 455 रुपया 90 पैसे के बीच में जो भी प्राइस आएगा सेलिंग का, उस रेट पे ये सेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर किया दोस्तों और यस कर दिया, ये हमारा ऑर्डर चला गया है दोस्तों। अब हम अपने काम में भी लग जाएंगे, इन केस अगर रेट फॉल होता है SBI का तो उस केस में क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमको उससे ज़्यादा लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। हमने अब क्या किया, हम आप ये करना नहीं है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों। ये हमने समझ लिया स्टॉप लॉस क्या होता है बाइंग में, ये बाइंग हमने लिमिट मार्केट स्टॉप लॉस ये तीनों समझ लिया सेल में। और अब हम इसमें समझते हैं दोस्तों कि नॉर्मल डिलीवरी सेल फ्रॉम DP ये क्या होता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, बाई पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखो दोस्तों क्वांटिटी, ये तो क्लियर है पहले से ही। प्रोडक्ट में देखो नॉर्मल डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है हमने आज खरीदा माल डिलीवरी में और आज नहीं बेचेंगे हम इसको, इसको हम 3 दिन के बाद बेचेंगे या 30 साल के बाद बेचेंगे वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इस केस के लिए हम डिलीवरी का इस्तेमाल करेंगे, डिलीवरी में बाई करेंगे तो हम इसको 3 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, 10 दिन में भी, 20 दिन में भी, 10 साल बाद भी, जब हमको लगेगा कि हमको प्रॉफिट है तब बेचेंगे, तो हम उसके लिए डिलीवरी में बाई करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सेल फ्रॉम DP क्या होता है दोस्तों, किसी बाई किए गए स्टॉक को अगर हमें सेल करना है तो हम सेल फ्रॉम DP करते हैं दोस्तों। वैल्यू प्लस एजिंग BTST, ये सब हमने दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसको देख ध्यान से समझ लेना देख करके। BTST को वैसे बता देता हूँ, BTST का मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, हमने आज बाई किया है कल ही सेल करना है तो BTST में बाई करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेल फ्रॉम DP का डिलीवरी में, तो हमने डिलीवरी में भी जैसे नॉर्मल में बाई किया था वैसे डिलीवरी में बाई कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता उस दिन, सेल नहीं करेंगे, सेल भी करेंगे तो डिलीवरी में करके सेल करना है हमको। और अगर हमने नहीं सेल किया और अगर हमें बाई करना है आज की डेट में, और सपोज़ नॉर्मल में हमने बाई कर लिया, ये चीज़ ध्यान से समझो, सपोज़ हमने नॉर्मल में बाई कर लिया, हमने आज नहीं बेचा,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अब हमारा ये ख़त्म हो गया पोजीशन, ये स्क्वायर ऑफ हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक ही डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें पहले से ही अगर माइंड सेट है कि नहीं हमें बेचना ही नहीं है आज, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो पहले से ही डिलीवरी सेट करके रखेंगे। लेकिन नॉर्मल में और डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल में हमको लिमिट मिलती है, डिलीवरी में हमको लिमिट नहीं मिलती है, ये फ़र्क होता है। नहीं तो नॉर्मल में भी हम बाई कर सकते हैं, डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, अब हमने क्या क्या समझा, ये इसमें भी हमने लगभग सारा समझ लिया दोस्तों। अब हम किसी बाई किए गए स्टॉक को सपोज 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बेच रहे हैं, तो उसको कहाँ से बेचेंगे? तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और ये डीमेट होल्डिंग है, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजिशन। डे नेट पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों कि आज आज खाली आज आज दिन की क्या पोजीशन है। तो हमने डे नेट पोजीशन पे क्लिक किया दोस्तों और कंट्रोल स्पेस बार दबाया, तो हमारी आज आज की खाली ये पोजीशन है। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर डे नेट पोजीशन में कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि खाली आज की ही पोजीशन दिखती है। तो डे नेट पोजीशन और नेट पोजीशन में फ़र्क क्या होता है? नेट पोजीशन में दिखती है कि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, कल की परसों की भी कोई पोजीशन है, खड़ी है अभी तक हमारे पास एफएनडो में या शॉर्ट सेलिंग में या कुछ भी, तो वो सारी नेट पोजीशन में शो करेगी। डे नेट पोजीशन में सिर्फ आज आज की शो करेगी पोजीशन, ठीक है दोस्तों, ये डे नेट पोजीशन होगी। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हम, मार्जिन एसटीएमटी में जाएंगे, तो इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है दोस्तों। तो देखो टोटल मार्जिन अवेलेबल हमारे पास कितना है, 24,26,140 रुपया, ठीक है, ये हमारे पास टोटल अवेलेबल मार्जिन है। और उसके बाद दोस्तों टोटल मार्जिन में हमारे पास देखो ये कैश में कितना है और नॉर्मल में कितना है, ये सारा चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और यहाँ पर हम सारा कितना हमने मार्जिन यूटिलाइज़ किया है उसके लिए हम यहाँ पर भी यहाँ पर जा करके देख सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर कोई मार्जिन यूटिलाइज नहीं किया है, आज का हमने 10 रुपया 50 पैसा प्रॉफिट बुक किया है, वो यहाँ पर दिख शो कर रहा है कि प्रॉफिट क्या किया हमने और लॉस क्या किया हमने, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद आता है दोस्तों डीमेट होल्डिंग। डीमेट होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि हम वो माल बेच रहे हैं जो हमारे होल्डिंग में है, तो उसके लिए हम सेल फ्रॉम डीपी करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और डीमेट होल्डिंग में जाएंगे। डीमेट होल्डिंग में जाने के बाद हमने ये रिफ्रेश किया दोस्तों, सपोज़ दैट कि हमको इसको सेल करना है, मान लीजिए आरसीएफ हमें सेल करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेल एनएससी पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद कितने, मान लीजिए हमें 500 में से ओनली 10 क्वांटिटी सेल करना है, तो हमने मार्केट पे करेंगे, तो मार्केट पे ये सेल फ्रॉम डीपी ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड होता है। सेल फ्रॉम डीपी का मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो सेल फ्रॉम डीपी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, सबमिट करेंगे सेल हो जाएगा 10 शेयर। 500 में से हमारे पास 490 ही बचेगा, 10 निकल जाएंगे उसमें से, ठीक है दोस्तों। पूरा बेचना है तो हम यहाँ पर क्वान्टिटी में पूरा 500 डाल देंगे और सेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास डीमेट होल्डिंग का यूजेस क्या होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम ट्रेड समरी देखते हैं कि ट्रेड समरी कैसे हो, कहाँ से देखते हैं। सपोज दैट आज हमने बाई किया है एसबीआई, कल हमने कुछ और बाई किया था, परसों हमने कुछ और बाई किया था। अब हमें ये जानना है कि हमने जो परसों बाई किया था पर्टिकुलर कोई स्टॉक किस रेट पे बाई किया था, तो उसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों और क्लाइंट स्नैपशॉट में जाएंगे। क्लाइंट स्नैपशॉट इस पर हम गए और ये एक वेब में ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों ट्रेड समरी आ रही है यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर देखो ट्रेड समरी आ रही है, इस ट्रेड समरी पर हम क्लिक करेंगे। ये हमने ट्रेड समरी पर क्लिक किया दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों हमने 28 सितंबर को रिलैक्सो फूड लिमिटेड बाई किया था डिलीवरी में, और 25 शेयर बाई किया था इस रेट पर, इस पर इतने रुपये की एसटीटी लगी थी, इतनी सर्विस टैक्स लगा था, इसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस, इतनी स्टाम्प ड्यूटी लगी थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम ट्रेड समरी देख लेते हैं और यहीं से हम अपनी ब्रोकरेज डिटेल्स भी देख लेते हैं कि हमारे हमारे पोर्टफोलियो में या हमारे अकाउंट में ब्रोकरेज कितनी चार्ज की जाती है। तो यहाँ पर हम ब्रोकरेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों फ्यूचर में क्या है, ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर ये 25 रुपीज़ समथिंग और 2 पैसा 20 पैसे की हमारी ब्रोकरेज है, यहाँ पर ये शो कर रही है ये 2 पैसा और डिलीवरी में 20 पैसा, इंट्राडे 2 पैसा, ठीक है। बैंक की डिटेल हम यहां से चेक कर लेंगे कि हमारी कौन सी बैंक इसमें रजिस्टर है, ठीक, बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो भी चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेड समरी भी हमने देख लिया, इसमें कैसे करते हैं देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें
स्पैन कैलकुलेटर में कैसे चेक करते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों और स्पैन कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। स्पैन कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर हम फ्यूचर और ऑप्शन में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में के फ्यूचर और ऑप्शन में कितना मार्जिन पकड़ेगा वो चीज़ हम देखने के लिए यहाँ पर सपोज़ एसीसी में और सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 28 अक्टूबर के एसीसी में लॉट साइज इतना है और हमको एक लॉट सेल करना है तो कितना मार्जिन पकड़ेगा। यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया और स्पैन कैलकुलेटर पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ बता रहा है कि टोटल मार्जिन हमको 2,06,974 रुपया लगेगा एक लॉट सेल करने के लिए। जबकि एसीसी का क्या रेट है, एसीसी का रेट है दोस्तों फ्यूचर में, एनएससी पर क्लिक किया हमने और एनएससी एफओ किया, फ्यूचर स्टॉक ही रहने दिया हमने इसको और एसीसी के सिलेक्ट किया। 28 अक्टूबर का हमने सबमिट किया। इसमें देखो दोस्तों 2,270 रुपये का रेट है इसका, लॉट साइज़ कितना है, हमने बाई पे क्लिक किया, यहाँ लॉट साइज आ जाएगा, एक लॉट 500 का है तो 500 गुड़े 2,270 गुड़े 500 गुड़े 500 ये कितना बनता है, 11,35,000 का माल है। लेकिन हमको पैसा कितना देना होगा इसके लिए, 2,00,000। अगर हमारे लेजर में 2,06,974 रुपया है तो हम एसीसी का एक लॉट सेल करके चल सकते हैं, राइट। लेकिन मार्जिन हमको और थोड़ा सा रखना होगा 10-15,000, क्योंकि अगर ये डाउन जाता है या ऊपर जाता है, अप डाउन होता है, तो मार्जिन और मांगेंगे, इसीलिए हम 10-15,000 और ऐड करके चल सकते हैं। बट हमारे लेजर में अगर इतना है तो हम एसीसी का 11,35,000 का माल भी सेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया, हमने देख लिया ये दोस्तों स्पैन कैलकुलेटर। इसके बाद आता है दोस्तों ये गेनर और लॉसर होता है, ये कि कौन सा स्टॉक कितना गेन किया है कितना लॉस किया है इंट्राडे, इस यहाँ से ये चीज़ देखते हैं। ये सब आप लोग देख लेना दोस्तों। डेरिवेटिव्स चैन होती है, मैं जब डेरिवेटिव्स बताऊँगा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेरिवेटिव्स चैन का कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है इसका मतलब। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें आईपीओ लगाने के लिए, आईपीओ पे हम क्लिक करते हैं। सपोज़ हमको आईपीओ लगाना है, आईपीओ क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। आईपीओ लगाते हैं जब कोई भी स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टिंग होता है तो उसके पहले एक आईपीओ निकालता है, तो उस आईपीओ में हम पैसे लगाते हैं। अगर अलॉटमेंट हमको आती है और लिस्टिंग समय पर स्टॉक का प्राइस ऊपर खुलता है तो हमको सेम डे ही प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर अलॉटमेंट होती है तो। आईपीओ कैसे लगाते हैं, हमने आईपीओ पर क्लिक किया यहाँ पर और एक वेब खुल जाएगा। अभी कोई आईपीओ है नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ऐसा करके आ रहा है। जैसे ही कोई आईपीओ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो, फिर वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें है आरएमएस एडमिन में हम लिमिट वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर देखो दोस्तों बाई सेल तो हम समझ ही गए, मार्जिन बाई, मार्जिन सेल, सेल ऑप्शन प्लस, बाई ऑप्शन प्लस, इन सब चीज़ों का हमने यूज़ करना अपने पहले वीडियो में बता रखा है दोस्तों। आप उस वीडियो को एक बार देखिए और वहाँ से आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी, हमने बहुत अच्छे से बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों सारा कवर किया कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं मोतीलाल ओसवाल में ट्रेडिंग करने के लिए कंप्यूटर के थ्रू, और वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम इसको इसमें स्टॉक कैसे ऐड करते हैं, बाई सेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ट्रेड समरी कैसे देखते हैं, स्पैन कैलकुलेटर कैसे देखते हैं, ऑर्डर बुक और लिमिट, मार्केट स्टॉप लॉस, डिलीवरी नॉर्मल, ये सब क्या होता है, ये सब हमने समझा इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने सारा चीज़ यहाँ स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद हमको लास्ट में सेव, इस सेव पे क्लिक करना है, इस वाले सेव पर, और इस वाले सेव पर क्लिक करके ओके किया हमने, फिर स्टार्ट पे क्लिक करके फिर हमने सेव पर क्लिक किया दोस्तों। अब हम ये हमारा सेव हो गया दोस्तों। अब ये सेव हो जाने के बाद हम अगर टर्मिनल ये बंद भी कर देते हैं और फिर से लॉगिन करेंगे तो एज इट इज ही हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम इस सेव को और उस सेव को दोनों सेव नहीं किए हैं तो हमको एज इट इज नहीं मिलेगा, हमें नए सिरे से ऐड करना होगा। इसलिए हम ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दोनों ये सेव ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों
कि ऑप्शन में हम बाई सेल कैसे करते हैं स्टॉक में और कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि ऑप्शन में तो हमने मोबाइल के थ्रू तो सारा बता रखा है आप लोगों को पिछली वीडियो में, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू हम टर्मिनल के थ्रू कैसे ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग और फ्यूचर में हम कैसे बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, और उसमें भी मैं स्पैन कैलकुलेटर आप लोगों को उसमें बढ़िया से बताऊंगा कि मार्जिन जब हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स की ऑप्शन में अगर हम हेज कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम सेल करते हैं तो उसमें कितना मार्जिन लगता है, सपोज़ 2 लाख का, राइट। और अगर हमने क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाता हूँ मैं कि जो 2 लाख का माल हमें लेजर में 2 लाख रखूँगा तो बैंक निफ्टी में ऑर्डर जाएगा, उसको हम मात्र 20 या 30 हज़ार रुपये में कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।